सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या? पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ यूज्ड टू मेक अ पैटर्न विच वी कैन यूज़ टू सर्च और रिप्लेस अ स्ट्रिंग। बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे। तो उसका एक जोड़ है, सेट है, ठीक है, कलेक्शन है, जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पैटर्न फॉर सर्चिंग। उसको एक पैटर्न बना के सर्च कर सकते हैं हम एक स्ट्रिंग के अंदर, या रिप्लेस कर सकते हैं किसी सब स्ट्रिंग को किसी दूसरी सब स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग के अंदर। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न बनाने का ही काम करता है, पैटर्न बनाने का काम करता है। तो वो पैटर्न कैसा होगा वो देखते हैं अभी पहले। तो दो, यहाँ पर हम एक एक स्ट्रिंग बनाते हैं, इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी कोई एक सेंटेंस बोलो, ठीक है, एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोलो, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। वी आर टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नाउ। ओके, और एक वन मोर सेंटेंस। क्लास ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। क्लास ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज, दिस इज आर स्ट्रिंग। इसको एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं। दिस वॉज आर लाइन। तो अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप एक वेरिएबल में ही डालते हो। लेट से मैं इसका नाम देता हूँ पैटर्न, ठीक है, या आप आर ई या जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो, पैट दे दो, ठीक है। वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। और रेगुलर एक्सप्रेशन में ये दो सिंबल यूज होते हैं, स्लैश एंड स्लैश, ठीक है। और जो भी आपका पैटर्न होगा वो आप इसके अंदर लिखोगे। लेट अस सपोज माय पैटर्न इज आई वांट टू सर्च वेब। बिना कोट्स के लिखना है आपने, ठीक है। बेसिकली कोट्स को रिप्लेस किसने कर दिया है? ये स्लैशेज ने कोट्स को रिप्लेस कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक मॉडिफायर आएगा, मॉडिफायर, ठीक है। तो ये सिंटेक्स सिंटेक्स बेसिकली ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का, स्लैश स्लैश स्लैश
इसके अंदर आपका पैटर्न आएगा और यहाँ आपका मॉडिफायर आएगा। तो आपके बेसिकली तीन मॉडिफायर होते हैं, आई, जी और एम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई, आई का मतलब होता है आई मीन्स केस इनसेंसिटिव सर्च, ठीक है, या केस इनसेंसिटिव पैटर्न बना देगा आपका। मतलब आप ये डब्ल्यू आप स्मॉल लो कैपिटल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव सर्च होगी आपकी। दूसरा आपका होता है जी, इट मीन्स ग्लोबल सर्च। तो सारी की सारी सर्च होंगी आपकी, मान लो एक बार वेब मिल गया तो वो वहीं पे बंद नहीं करेगा, वो एक बार और वेब को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, जितने भी वेब होंगे स्ट्रिंग में वो सारे ढूंढने की कोशिश करेगा। और तीसरा है एम, इट स्टैंड्स फॉर मल्टी लाइन सर्च। बेसिकली ये आपका जब हम डॉम करेंगे तब यूज़ होगा। आपकी अगर किसी स्ट्रिंग में दो या दो से ज़्यादा लाइन्स हैं तो उसको सर्च करने में भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है, इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपका वेब यहाँ पर कैपिटल में है, हम इसको स्मॉल में रखते हैं और अब सर्च करते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने जब डेफिनेशन में बोला था, पीछे बच्चे किसी की आवाज, ओके, तो बेसिकली मैंने आपको पहले पैटर्न की जब डेफिनेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन की जब डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बोला था कि ये हम यूज करते हैं ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रेक लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं आउट, यहाँ पर हम अपना मैच करते हैं या कुछ सर्च करते हैं, str डॉट सर्च, ठीक है। और ये पैटर्न सिर्फ दो मेथड में यूज हो सकता है, एक सर्च और एक रिप्लेस, ठीक है। स्ट्रिंग में हमने बहुत सारे मेथड्स फंक्शंस पढ़े थे, उसमें से सिर्फ सर्च और रिप्लेस में आप ये पैटर्न यूज कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न कोई स्ट्रिंग नहीं है, बेसिकली आप देख ही रहे हो, कोट्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेट से मैंने अब पैटर्न सर्च करना है ये, ठीक, आप चाहे तो इसको सीधा अंदर भी लिख सकते थे। तो अब यहाँ पर हम आउट को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, सेव किया, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इट गिव्स 32, मतलब यहाँ पर आकर आपका सर्च हुआ है। तो देखते हैं ये 32 नंबर पे ही है या नहीं है, एक सेकेंड, केस इनसेंसिटिव सर्च किया है हमने, नाउ चेक, लेट्स चेक 32 नंबर पे ही है या नहीं। 0 से लेके 6 तक आपका वेलकम है, 7 पे स्पेस है, 8, 9, 10, 11 से जावास्क्रिप्ट शुरू हुआ, 15, 20 पे ख़त्म हुआ, 21 पे डॉट है, 22 पे स्पेस, 27 तक क्लास है, 28 पे स्पेस, 30 तक ऑफ है, 31 पे स्पेस और 32 नंबर पर आपका उसने ये ढूंढ दिया है वेब, इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, तो अभी हम वी ढूंढते हैं, लेट अस सपोज, देखते हैं, ये देखो वी ढूंढा तो शुरू में मिल गया उसको, ओके, केस इनसेंसिटिव सर्च। अब हम एक और मॉडिफायर देखते हैं, लेट्स से जी, तो ये आउटपुट क्या देता है अभी देखो, ग्लोबल है ना, तो ये देखो ग्लोबल ने क्या दिया आपको,
पूरी पूरी स्ट्रिंग सर्च की और लास्ट वाले स्ट्रिंग का इंडेक्स दिखा दिया उसने, जो कि ये यहाँ पर आता ये वाला 55। ठीक है, पहली सर्च पे नहीं रुका वो, उसने पहले यहाँ पर 0 पे ढूंढा, फिर यहाँ पर 32 पे ढूंढा, 0 को 32 से रिप्लेस हो गया और 32 फिर यहाँ पर 55 से रिप्लेस हो गया। लेट्स से लास्ट में हम वी लिखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके सॉरी, ओल्ड वर्ड सर्च किया इसमें। अभी यस सर ये देखो, केस आई जो है वो केस सेंसिटिविटी को ही आपका लेके चलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर उसको सेंसिटिव सेंसिटिविटी हमने खत्म की, डब्ल्यू को स्मॉल किया, तो वहाँ उसने 0 पर ही इसको ढूंढ लिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये वाले W को कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर स्मॉल करते हैं, आप देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये 32 पे अब शो किया है। Is it okay? और ये एक मैच पर ही रुक गया, आगे हमारे पास एक और वी है, फिर हमारे पास एक और वी भी है। ओके, एक सेकेंड रुको। थिंक इसमें लाइन का इम्पैक्ट आ रहा है, एक सेकेंड। वेलकम, यहाँ भी एक वेलकम डालते हैं। लेट्स सी, एट शो कर रहा है लेकिन आगे नहीं गया ये। इट इज नॉट परफॉर्मिंग द वे इट शुड परफॉर्म। बेसिकली सारी की सारी सर्च करके देगा ये। ये भी सर्च होना चाहिए था, ये भी सर्च होना चाहिए था। ठीक है, सभी के इंडेक्स आने चाहिए थे, बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग द वे इट शुड परफॉर्म। एक्चुअली इट परफॉर्म्स लाइक दिस, यहाँ पे सारे इंडेक्स आने चाहिए थे। ठीक है, इज इट ओके? यस सर इस पे मैं वर्क करता हूँ। वैसे बेसिकली इसकी आउटपुट ये 0, 8, ये जितना भी इंडेक्स है ये भी आना चाहिए था, ये भी और फाइनली ये भी। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, जो आपका एम होता है ये मल्टी लाइन सर्च करेगा, मतलब अगर आपकी दो लाइंस में आ जाता है, जो लाइनों में चीज आ जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वेलकम,
ये भी हम W कर देते हैं, बड़ा। यहाँ भी W बड़ा, यहाँ भी W बड़ा। तो ऑब्वियसली ये आपका यहाँ से ये सर्च करेगा, ये देखो 119 पे गया। इन केस अगर आपका जहाँ से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन का मतलब है कि वो एक से ज़्यादा लाइनों में कोई पैराग्राफ है या कोई डिवीजन में कंटेंट है जो एक से ज़्यादा लाइन का है, तो उसमें अगर मल्टी लाइन सर्च करना चाहते हो आप, तो आप ये वाला मॉडिफायर यूज़ करोगे एम। ये डॉम में देखते हैं हम, ठीक है। आई मतलब केस इनसेंसिटिव, जी मतलब इट विल परफॉर्म अ ग्लोबल सर्च एंड मैचेस ऑल, जितने भी आपके ये मैच होंगे वो सारे के सारे रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई इट विद रिप्लेस नाउ, रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ग्लोबल के साथ। लेट्स सी, ओके, कोई नहीं मिला उसको। अच्छा, सारे W बड़े थे। वेलकम, लेट्स सी नाउ, इसको रिप्लेस भी करना है ना किसी के साथ। लेट्स से गो के साथ रिप्लेस कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल इट वर्क अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हो। गो, यहाँ भी गो आया और यहाँ भी गो आया, ठीक है। इज इट ओके, इज इट ओके? यस हाँ, सर। इसमें क्यों नहीं वर्क कर रहा है, दैट्स वी हैव टू फिगर इट आउट, बट इसमें वो वर्क किया, ग्लोबल सर्च किया उसमें। इज इट ओके? और अगर आप आई यूज यस करते, सर। और अगर आप आई यूज करते हो सिर्फ, तो ऑब्वियसली वो पहले ही अकरेंस को उसने रिप्लेस किया, बाकी के अकरेंस उसने छोड़ दिए। आगे करें पैटर्न्स को कंटिन्यू। तक में कोई डाउट तो पूछ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलो, आगे मूव करें। यस ओके, तो वापस सर्च के साथ ही चलते हैं हम। गेन पैटर्न नाउ, लेट से हमने अब सर्च करना है कुछ ऐसी चीज लाइक इनमें से कोई भी कैरेक्टर आ जाए, ए एक्स या वाई, ठीक है, उनको सर्च करना है और ग्लोबली सर्च करना है हमने, या रिप्लेस ही करते हैं सो दैट के विजिबल हो जाए। रिप्लेस करना है अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर आ जाता है विद, कौन सा कैरेक्टर यहाँ नहीं है, लेट्स से जेड के साथ रिप्लेस करना है हमने, ठीक है। एक्स और वाई जहाँ जहाँ आ जाता है, या पी जहाँ पे आ जाता है, तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटकम। सो नाउ यू कैन सी, हमने पहले, मैं एक दिखा देता हूँ आपको, पी एक्स और वाई, पी एक्स और वाई जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ हमने इसको रिप्लेस करना है विद जेड। तो आप देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट में पी आया था तो जेड से रिप्लेस हो गया है,
उसके बाद यहाँ पर पी आया था तो जेड से रिप्लेस हो गया है। एक्सप्रेशन का एक्स और पी यहाँ जेड से रिप्लेस हो गया है। यहाँ भी एक्स और पी देखो जेड से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स बेसिकली आपका कुछ ऐसा आता है। देखो, आपने बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है और उसके अंदर आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, जो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, जरूरी नहीं ये आप नंबर नंबर भी लिख सकते हो। लेट से मैं 8 लिखता हूँ यहाँ पर, लेट से 8 यहाँ पर आता है तो 8 भी देखना आप रिप्लेस हो जाएगा। देखो ठीक है, नंबर स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो आप कहो कि ये ब्रैकेट भी रिप्लेस हो जानी चाहिए, तो आप देखो वो ब्रैकेट भी रिप्लेस हो गई है। ठीक है, अंदर वाली सारी चीज़ें कोई भी मिल जाए वो रिप्लेस कर देनी है या सर्च करनी है हमने, तो वह आप ऐसे शो कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। इसके अलावा आप कुछ नंबर्स की रेंज भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर डालता हूँ। ऐसे ये नंबर है और मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 3 तक नंबर जो है वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, रेंज है ये। अब 1, 2, 3 देखो, जो जो 1 थे वो रिप्लेस हो गए, 2, 3 ऑब्वियसली है नहीं तो रिप्लेस नहीं हुए वो। तो आप रेंज भी डाल सकते हो। इस रेंज के साथ ही आप देखो, लेट से मैं 8 को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये 1, 2, 38 नहीं है, अब ये 1, 2, 3 है और साथ में 8 है। नाउ यू कैन सी 8 भी जहाँ जहाँ था यहाँ पर था तो वो रिप्लेस हो गया। देखो, इज इट ओके? यस सर। क्लियर है ना? और जरूरी नहीं आपने 8 ही डालना है, मैं यहाँ पर P डाल रहा हूँ। ये देखो P रिप्लेस हो गया। आप इट ओके? करें आगे? यस सर। लेट्स मूव अहेड नाउ। और आगे यहाँ पर मैं और बताता हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ओ रिप्लेस करवाने हैं, ठीक है, एक हो, दो हो, जितने मर्जी हो, वो रिप्लेस करवाने हैं जो एल के बाद आते हैं, ठीक है, या ये चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले हम ये देखते हैं कि मेरे को एक्स या वाई या जेड, जेड तो नहीं, ओ कह देते हैं, इन दिनों में से कुछ भी आ जाए वो हमने रिप्लेस करना है। लेट अस सपोज, तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ठीक है, या एक्स या वाई या ओ, जहां जहां आ रहा है वो रिप्लेस हो गया। देखो, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो सिंटेक्स को। इज इट ओके? सर्कुलर ब्रैकेट में कैरेक्टर और फिर पार्टीशन वाला सिंबल, स्ट्रेट स्लैश। इसके बाद लास्ट, अब लेट्स से मेरे को
डब्ल्यू के बाद, या सॉरी हम कहते हैं एन के बाद मुझे ओ आ जाए अगर, ठीक है, और सॉरी ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं पहले। जीरो प्लस का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा ओ, तो एन के बाद एक या एक से ज़्यादा ओ आ जाए तो वो रिप्लेस हो जाए। तो अब देखते हैं, तो ये देखो एन एन के बाद एक ओ आ गया, तो ये देखो रिप्लेस हो गया, बस एक ही जगह पे रिप्लेस हुआ है। तो हम कहीं और चीज़ें डालते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी देखते हैं, तो ये देखो सारे के सारे ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया विद जेड, एल ओ एन जेड। सो आई आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ प्लस, कि एक आ गया तो एक को लेके रिप्लेस कर देना है, दो आ गया तो दोनों को लेके रिप्लेस कर देना है, तीन ओ आ गए तो तीन लेके रिप्लेस कर देना है, ठीक है, सभी की जगह पे। इज इट ओके? एन के बाद एक या एक से ज्यादा जितने मर्जी ओ आ जाए सबको कंबाइन करके जेड से रिप्लेस कर देना है। इज इट ओके? यस सर। ऐसे ही एक आप आता है आपका स्टार। स्टार और प्लस में बस इतना ही फर्क है कि प्लस का मतलब है एक या एक से ज्यादा, स्टार का मतलब है जीरो या जीरो से ज्यादा, ठीक है। तो मतलब है इनके बाद अगर ओ ना भी आए तो भी इसने रिप्लेस कर देना है, जैसे ये देखो, ठीक है, इसके बाद तो ओ नहीं आया फिर भी उसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे तो किया ही किया उसने, ठीक है, यहाँ भी उसने रिप्लेस कर दिया जबकि बाद में ऐसा आ रहा था, ये तो उसने किए ही है। इज इट ओके? यस नहीं, सर। किसको नहीं क्लियर हुआ? बोलो। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। एक होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इससे पहले ये वाला एक या आई ना जीरो टाइम्स और वन टाइम्स। तो रिजल्ट पहले देखते हैं, एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ था, ये देखो। तो अब अगर आप देखो यहाँ पर उसने रिप्लेस किया क्योंकि एन के बाद एक ही जीरो आया था, एक ही ओ आया था, ठीक है, तो उसने जेड के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी लॉजिस वैसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर नहीं आया, जीरो ओ आया तो भी उसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी वैसे ही हुआ, यहाँ भी वैसे ही हुआ। यहाँ पर एन के बाद एग्जैक्टली एक ओ आया, ठीक है, उसने बाकी के कंसीडर ही नहीं किए, उसको एक ओ मिल गया ना, तो उसने इस नो को जेड में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया जेड से, और बाकी के तीन ओज ऐसे ही रहने दिए। सेम हियर, एन ओ मिला और उसको जेड से उसने रिप्लेस कर दिया और आखिरी ओ आपका बचा रह गया। इज इट ओके? यस सर। बाकी यस सर। आप ब्रैकेट्स लगा के आप जितना मर्जी इसको यूज कर सकते हो, आप ब्रैकेट जैसे भी ब्रैकेट लगा सकते हो। अब एन ओ वो ढूंढेगा जीरो और वन टाइम्स, या आप इसको ऐसे अगर कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इट मेक सम सेंस। अब एन ओ रिपीट होगा ना तो वो होगा रिप्लेस, जैसे ये देखो एन ओ हुआ तो ये रिप्लेस किया उसने जेड से, एनओ हुआ एक बार आया तो उसने जेड से रिप्लेस किया। थोड़े और लगाते हैं, ये देखो, अब देखते हैं, ये देखो एनओ एनओ दो बार आया, उसने सभी को एक बार
जेड से रिप्लेस कर दिया। तो ऑब्वियसली ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी उसके बाद वो सॉल्व होगा आगे का आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, मिक्स मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, यहाँ पर है सारा। इज इट ओके? इसके दो मेथड हेलो है, टेस्ट और एग्जीक्यूट, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और उसके साथ ही आपका जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। वी स्टैंड स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डोम, डोम की थ्योरी से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? नो सर, नो नो? सर। ओके, चलो शेयर बंद कर दूं, मीटिंग एंड।